दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूं IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा आज का ये टॉपिक रहने वाला है। चलिए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्वाड का बैठक इस वर्ष 2022 में मई में जापान में हुआ था। क्वाड क्या है? क्वाड एक सुरक्षा का मंच है। चार देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमरीका का सुरक्षा का मंच है, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए क्वाड का गठन हुआ था। खैर, क्वाड के बारे में हम यहाँ बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। क्वाड का मीटिंग में ही इसका प्रस्ताव अमेरिका ने रखा था कि हम लोग चारों देश मिलकर जिस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में सहयोग करते हैं, उसी प्रकार क्यों ना हम लोग चार देश और हिंद प्रशांत के और कुछ देशों को मिलाकर के एक आर्थिक समझौता किया जाए, एक अनौपचारिक मंच के माध्यम से एक अनौपचारिक समझौता किया जाए। और भारत तैयार हो गया, जापान भी तैयार हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी तैयार हो गया और बाकी कुल मिलाकर के 14 देश इस पे तैयार हो गए हैं। अब सवाल ऐसे में यह है कि आखिरकार IPEF क्या है? दो महीना पहले ये खबर आया कि भारत IPEF से निकल गया, तो क्या भारत IPEF से निकल चुका है? क्या है सच्चाई? क्या भारत इसके चार पिलर में से चारों पिलर से यानी चारों स्तंभों से निकल गया है या किसी एक स्तंभ से निकला है? सब कुछ दोस्तों आपको यहाँ पूरा विस्तार से एक छोटी छोटी बारीकियाँ जो हैं आपको यहाँ समझ में आने वाली हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि आखिरकार ये हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते किसको हैं, तो आप नक्शा देख लीजिए। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में जो भी द्वीप स्थित हैं या हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के किनारे के जो लोकेशन आपको दिख रहा है, चाहे अफ्रीका का बहुत सारा हिस्सा है, अफ्रीका का पूर्वी तट, भारत, पाकिस्तान, ईरान, इसके अलावा जो चाइना की बात किया जाए, जापान की बात किया जाए, ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात किया जाए, आपने समझ लिया होगा कि आखिरकार हिंद प्रशांत क्षेत्र किसको कहते हैं। अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें IPEF के बारे में, क्योंकि IPEF से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आया था अभी हाल फिलहाल। IPEF में कुल कितने देश हैं? कुल 14 देश हैं। लोकेशन भी मैंने बता दिया। ये आखिर है क्या? IPEF में कोई भी देश अगर जुड़ता है तो फायदा क्या है? भारत इससे क्यों जुड़ा मई 2022 में और इसके चार पिलर में से एक पिलर से भारत निकल गया? दोस्तों चलिए अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार IPEF के चार पिलर कौन कौन से हैं और चारों पिलरों के बारे में विस्तार से थोड़ा समझेंगे, फिर हम इस पर बात करेंगे कि भारत ने पहला पिलर को क्यों छोड़ा। तो सबसे पहले चार पिलर को देखते हैं। पहला है व्यापार पिलर। व्यापार पिलर को कहा जाता है जुड़ी हुई अर्थव्यवस्थाएं, क्योंकि जो 14 देश हैं उनके जुड़ाव का मुख्य कारण अर्थव्यवस्था ही है। तो पहला है व्यापार यानी कि जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था। दूसरा है लचीली अर्थव्यवस्था यानी कि सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला, उसको मैं बताऊंगा क्या होता है आपूर्ति श्रृंखला। तीसरा है स्वच्छ अर्थव्यवस्था। चौथा है निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले पहला जो पिलर है, पहला पिलर से ही भारत निकला है। पहले पहला पिलर को देखते हैं फिर समझेंगे भारत क्यों निकला। पहला पिलर में है डिजिटल अर्थव्यवस्था के मानक। हर चीज़ अभी डिजिटल होते जा रहा है, जो बिजनेस भी है बिजनेस में भी डिजिटलीकरण तेजी से बढ़ते जा रहा है, चाहे हिसाब किताब हो। नॉर्मल तरीके से आप समझिए, आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे चीज़ों में, कि दुकान में क्या क्या है, कैमरा का इस्तेमाल होता है CCTV कैमरा का सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जो हिसाब किताब है वो डिजिटल उपकरणों के माध्यम से होता है, कंप्यूटर में सारा कुछ जानकारी रहता है कौन सामान दुकान में है कौन सामान नहीं है, यानी डिजिटलीकरण। ठीक है, डिजिटल अर्थव्यवस्था के मानक स्टैंडर्ड, आप कहिएगा मानक स्टैंडर्ड क्या होता है। अब जैसे कि कोई भी कंपनी है अपना एक स्टैंडर्ड बनाता है कि हाँ इससे खराब स्टैंडर्ड का सामान हम नहीं बनाएंगे। आप कोई पेन भी इस्तेमाल करते हैं तो आपका एक स्टैंडर्ड होगा कि कम से कम हम लिखो फेंको यूज़ नहीं करेंगे, कम से कम 500 रुपये का कलम हम एक रखेंगे, तो आप एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो जो पहला पिलर है उसमें पहला है डिजिटल अर्थव्यवस्था के मानक, यानी एक स्टैंडर्ड बनाया जाएगा जो भी 14 देश है उनके बीच व्यापार को लेकर के। फिर है डाटा स्थानीयकरण। हमारा देश का ये सोच है कि बहुत तरह का जो डाटा है हम अपने देश में ही रखेंगे। ठीक है, हमारे देश का ये सोच है, किसी भी तरह का डाटा हो सकता है, जैसे पर्यावरण से जुड़ा हुआ डाटा, व्यक्तिगत डाटा, अलग अलग लोगों का डाटा। तो डाटा के बारे में हमारे देश का यही सोच है कि मैक्सिमम डाटा, ज़्यादातर डाटा हम अपने देश में ही रखेंगे, जिसको डाटा स्थानीयकरण कहते हैं। डेटा प्रवाह, यानी जो डेटा का प्रवाह हम ज़्यादा नहीं करेंगे, कुछ ही डेटा का प्रवाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब जैसे भारत अपना कौन कौन सा डाटा किसी को दे सकता है? कुछ ही डाटा यानी कुछ ही जानकारी दूसरे देशों को दे सकता है।
तो ये इसमें एक बात है, श्रम और पर्यावरण मानक। श्रम और पर्यावरण मानक के बारे में देखिए, हमारे देश का जो श्रम कानून है थोड़ा सा कड़ा है, इसके बारे में बहुत सारा बात होता है। अब जैसे कि एक और बात समझिए, एमएसएमई यानी सूक्ष्म और मध्यम और लघु उद्योग, इसके भारत में विकास को बढ़ावा देने के लिए, चूंकि इसका पूरे इकोनॉमी में अभी 30% योगदान है, इसको बढ़ावा क्योंकि यह जरूरी भी है, चूंकि भारत का लक्ष्य है $5 ट्रिलियन के इकोनॉमी को हासिल करना, तो वहां तक पहुंचने में एमएसएमई को ग्रो करना होगा। और एमएसएमई को ग्रो कराने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है श्रम कानूनों में सुधार करना। तो यहां पर चूंकि हम आईपीईएफ की बात कर रहे हैं, आईपीईएफ में भी श्रम मानकों पर बात किया गया है, पर्यावरण मानक पर भी बात किया गया है, ठीक है। अब भारत पहला पिलर को छोड़ दिया है, क्योंकि भारत का यह मानना है कि पर्यावरण मानक जो तैयार किया गया है, देखिए अब जरा गौर कीजिए, आप पहला पिलर में क्या क्या है, श्रम मानक है, पर्यावरण मानक है, डेटा प्रवाह है, डाटा स्थानीयकरण है। भारत ने इस पिलर को क्यों छोड़ा, भारत का सोच है कि हम डाटा स्थानीयकरण करेंगे, अच्छा है, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ बात है, डेटा प्रवाह हम बहुत कम करेंगे, अच्छा बात है। श्रम मानक और पर्यावरण मानक, पर्यावरण मानक कुछ आप ऐसे समझिए, यूरोपीय देश, पश्चिम के जो देश हैं अमेरिका वगैरह, उनका लगभग एक विजन है 2035-40 तक वो कार्बन का जो उत्सर्जन है वो समाप्त कर देंगे, लेकिन भारत का सोच क्या है, नेट जीरो 2070 का लक्ष्य है। और ऐसे भी वो लोग विकसित देश हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कार्बन का अभी तक इस्तेमाल किया है, और हमें अभी विकास करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगने वाला है, इसलिए हमने 2070 निर्धारण किया है। तो जो पहला पिलर है, इसके माध्यम से जो पश्चिम के देश है, अब ये जो गठबंधन की बात किया जाए, यहाँ पश्चिम का तो देश कौन है, अमरीका ही है, ठीक है। तो अमरीका जापान जैसे देश हो सकता है, जापान एक विकसित देश है जो एशिया का है, पूर्वी एशिया का, हो सकता है कि ये जो देश है भारत पर दबाव डालें कि आप 2070 के पहले ऐसा करें। तो ये कुछ ऐसा कारण है कि हमने इस पिलर को छोड़ दिया, और इस पिलर को छोड़ने का एक और कारण है, देखिए चार पिलर में तीन पिलर को बताएंगे, अभी एक पिलर आपका क्लियर हो चुका है, एक स्तंभ। तो चूंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि क्वाड का जो मीटिंग चल रहा था मई 2022 जापान में, वहां भारत ने इस पर अपना हामी भरा था कि ठीक है हम भी साथ रहेंगे, और भारत को उम्मीद था कि अमेरिका अपने बाजारों का एक्सेस देगा। देखिए भारत सबसे ज़्यादा निर्यात यानी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका में ही करता है सेवा और वस्तुओं का, और भारत का ये जो आईपीईएफ था, इसके माध्यम से भारत का कहीं ना कहीं एक विजन था, भारत का एक सोच था कि चलिए भाई इसमें हम शामिल होते हैं, तो अमेरिका अपने बाजारों का एक्सेस देगा, अमेरिका टैरिफ को कम कर देगा, यानी मुक्त व्यापार से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ बात होगा। लेकिन अमेरिका ने ऐसा बोला कि नहीं, आपका जो एक्सपोर्ट चल रहा है हमारे देश में, चलिए ठीक है, लेकिन हम अतिरिक्त कुछ छूट वगैरह नहीं देंगे कि आपका व्यापार बढ़ जाए। हाँ, अपने दम पे आपको अगर व्यापार बढ़ाना है हमारे देश में तो बढ़ाइए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपको टैरिफ में छूट देंगे। दोस्तों अगर आप में से किसी को नहीं पता है टैरिफ क्या होता है, तो आप ये देखिए, ये अमेरिका है, ये भारत है, भारत से अगर सामान कुछ जाता है अमेरिका में, तो अमेरिका के सीमा में जैसे ही प्रवेश करेगा उस पर एक टैक्स लगता है, सीमा शुल्क बोलते हैं, टैरिफ बोलते हैं। भारत का यह सोच था इस आईपीईएफ में जुड़ने से पहले कि अमेरिका टैरिफ कुछ कम करेगा, जिससे बिजनेस भारत का बढ़ जाता, क्योंकि टैरिफ अगर कम होगा तो भारत का सामान यहां सस्ता में बिकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो भारत ने क्या किया, भारत ने पहला पिलर को छोड़ दिया। छोड़ने का एक कारण यह था कि अमेरिका ने टैरिफ कम नहीं किया, और एक और कारण क्या था, उस पर थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, डेटा प्रवाह, श्रम और पर्यावरण मानक भारत के अनुकूल नहीं था, ठीक है। दोस्तों अब आगे हम आपको बताते हैं लचीली अर्थव्यवस्था ये क्या है। देखिए आपूर्ति श्रृंखला, कोरोना काल में आपूर्ति श्रृंखला बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था पूरी दुनिया भर में। आपूर्ति श्रृंखला एकदम सिंपल सी बात है, मान लिया कि आपके इलाके में कोई छोटा सा फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ पर रॉ मटेरियल पहुँचता है, जैसे कि प्लास्टिक का डब्बा बनता है या कुछ भी बनता है, मिठाई वगैरह बनता है, कुछ भी, तो कच्चा माल वहाँ पहुँचता है, फिर वहाँ पर उत्पादन होता है और वो कस्टमर तक पहुँचता है, उपभोक्ताओं तक पहुँचता है, पूरा का पूरा ये जो चेन है इसी को कहा जाता है आपूर्ति श्रृंखला। वैश्विक व्यापार पर, विश्व स्तर पर जो व्यापार होता है वहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो ये काफ़ी गड़बड़ा गया था, कब ये गड़बड़ा गया था, कोरोना काल में। अब इसको ठीक करने का यहाँ पर बात किया गया है, 14 देश ने एक मतलब आपस में समझौता किया है कि नहीं इसको हम लोग बहाल रखेंगे, और जो आपूर्ति होगा सब देश का योगदान होगा, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अमेरिका हावी हो जाएगा कि मेरा ही एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसका होगा। और आईपीईएफ में जो देश शामिल है, जाहिर सी बात है इसलिए शामिल है क्योंकि सबको अपना अपना फ़ायदा चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही देखिए, इसका नाम क्या है, इस फ्रेमवर्क का, इस ढांचा का नाम क्या है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पैरिटी। प्रॉस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, समृद्धि। एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया है हिंद प्रशांत क्षेत्र के 14 देशों के साथ जो आपस में समृद्धि लाए, और साथ ही साथ ये और देशों के लिए भी खुला हुआ है, अभी और भी देश फ्यूचर में इसमें आ सकते हैं।
तो हम लोग चार स्तंभों की बात कर रहे हैं। पहला स्तंभ क्लियर हो गया है, दूसरा स्तंभ का नाम है लचीली अर्थव्यवस्था, जिसमें हमने आपूर्ति श्रृंखला के बारे में बात किया, और दूसरा जो स्तंभ है लचीली अर्थव्यवस्था उसमें है प्राकृतिक समुद्री संसाधन। देखिए हिंद प्रशांत का नक्शा मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था, हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों का कोई कमी नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधनों का ये जो 14 देश है पता लगाएंगे, चेतावनी प्रणाली विकसित करेंगे। आप कहिएगा चेतावनी प्रणाली क्यों? मान लिया कि समुद्र में पता चला कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर पेट्रोलियम है, तो वह उसको पता लगाया जाएगा, उसका दोहन किया जाएगा और उसको बचाव भी किया जाएगा, और जो बाकी देश है मतलब जितने भी देश इसमें शामिल है उनके बीच उसका बंटवारा वगैरह होगा। और चेतावनी किससे? चाइना से, कि कहीं चाइना वहाँ धमक ना जाए और बोले कि ये मेरा है। तो इस तरीके से तो लचीली अर्थव्यवस्था भी आपको समझ में आ गया होगा। लचीली का मतलब हो गया सुनमय, थोड़ा सा फ्लैक्सीबल, यानी जहाँ पर जिद नहीं होता है, थोड़ा लचीलापन होता है। जैसे कि आप एक नॉर्मल एग्जांपल से समझिए, आपका कोई दोस्त बोला कि थोड़ा सा वहाँ तुमको चलना होगा, तो आप थोड़ा लचीला व्यवहार करेंगे, अरे नहीं थोड़ा सा कल चलेंगे, तो ये एक लचीला व्यवहार हो गया, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में भी कुछ लचीलापन होना चाहिए, और यहाँ पर जो पूरा का पूरा व्यवस्था है लचीला है, अच्छा भी है। अगला है, तीसरा है स्वच्छ अर्थव्यवस्था। स्वच्छ अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है, देखिए जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब और अच्छे से समझिए, कोई भी उत्पादन होता है, कहीं फैक्ट्री है, कुछ भी हो, तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, लेकिन अब उसको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। वो जो सोर्सेज हैं, जो स्रोत है कल कारखानों में उत्पादन का, वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। तो इसी का बात है कि जल्दी से जल्दी विकार्बनीकरण किया जाए, जल्दी से जल्दी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाया जाए। तो हमारा भी तो सोच यही रहा है कि ठीक है भाई, हम बिल्कुल नवीकरणीय ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। अगला है निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, जो 14 देश हैं इस पर काम करेंगे कि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से हो, कोई भी व्यापार वगैरह हो अगर ट्रांसपेरेंसी से हो तो अच्छा है, देशों का संबंध अच्छा रहता है। अब देशों का तो छोड़िए, दो लोगों के बीच अगर व्यापार हो रहा है, वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है, वहाँ ईमानदारी से काम हो रहा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो दैट इज़ गुड, और ये होना भी चाहिए। तो यहाँ भी वही है, धन शोधन रोधी यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार में कमी, रिश्वत रोधी, पारदर्शिता, ये सब कुछ बात है, ये चौथा पिलर है, इसको कहा गया है निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि चार पिलर क्या है। मैंने ये भी आपको बता दिया है कि भारत ने पहला पिलर को क्यों छोड़ा, भारत ने पहला पिलर को छोड़ा है, भारत ने IPEF को नहीं छोड़ा है। भारत के जो वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल जी, ये लॉस एंजलिस गए थे और वहाँ जो मीटिंग वगैरह हुआ उसके बाद उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि भारत पहला पिलर छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है, तो उसका भी कारण मैंने भी आपको समझा दिया, और उन्होंने भी लॉस एंजलिस अमेरिका में जो मीटिंग हुआ था उसमें उन्होंने रखा होगा। अब देखिए इसका मतलब यह है कि IPEF में जो 14 देश हैं उनके लिए चार पिलर में से, चार स्तंभ में से, कोई ज़रूरी नहीं है कि वह चारों से जुड़े। जी बिल्कुल हाँ, जितना पिलर को अपनाना है कोई देश अपना सकता है, लेकिन हाँ अगर कोई देश किसी पिलर से जुड़ता है चार में से, तो उससे उम्मीद किया जाता है कि उसमें जो भी बातें वर्णित है उसको वह फॉलो करे, वहाँ भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, यानी काफ़ी फ्लैक्सीबल सा ग्रुप है। देखिए एक और बात, एक थोड़ा सा एक विवाद हो गया था भारत और अमेरिका के बीच में, चूंकि ये अभी नया नया ही बना है, मुश्किल से 6 महीना पहले ही इसका अस्तित्व सामने आया IPEF का, तो यहाँ पर एक और विवाद हो गया। अब आप कहिएगा क्या विवाद सामने आया, तो देखिए अमेरिका का ये कहना है, अमेरिका का एक सोच है भारत के प्रति, कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण होता है भारत में, भारत उस पर टैक्स लगाता है, सीमा शुल्क लगाता है। जाहिर सी बात है हमारे देश में भी किसी दूसरे देश से अगर कोई वस्तु आता है या कोई सेवा आता है तो हम लोग उस पर टैरिफ लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। तो अमेरिका का यह सोच है कि भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, अब जैसे कि दुबई में कोई क्रिकेट मैच हो रहा है उसका भारत में प्रसारण होगा, तो वो क्या है, वहाँ एक जो मैच हो रहा है वो यहाँ दिखाया जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेवा का निर्यात हो रहा है हमारे देश में, तो हम लोग उस पर टैरिफ लगाते हैं, हम लोग उस पर टैक्स लगाते हैं। तो अमेरिका का बोल सोच है, अमेरिका का ये कहना है कि भारत इसको समाप्त करे। भाई हम लोग इसको क्यों समाप्त करें, इसके लिए जो IPEF के जो बाकी सदस्य हैं उनके साथ मिलकर भारत पर एक दबाव डालने का प्रयास हो रहा है, और इस मुद्दा को अमेरिका WTO में भी उठाएगा। अब देखिए हाल ही फिलहाल एक संगठन बना और उसमें भी भारत का भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर भारत चारों पिलर को छोड़ देगा तो इस संगठन में कुछ जान ही नहीं बचेगा, और यानी कि बिल्कुल ही नया नया संगठन है और उसमें भी अमेरिका ही देखिए भारत पर कितना प्रेशर डालने का प्रयास कर रहा है। तो भारत कुछ ऐसा कारण रहा था कि भारत पहला पिलर को छोड़ दिया है, अब इस तरह का अगर प्रेशर बनाया जाएगा तो आगे इस तरह का जो फ्रेमवर्क है, ढांचा है, इसका चलना मुश्किल हो जाएगा।
तो अमेरिका को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रवैया अपनाने की ज़रूरत है। तो चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे कुछ और बातों को करते हैं। IPEF का क्या महत्व है, IPEF का महत्व को जरा देखते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका महत्व यही है कि जो 14 देश है उनके बीच आर्थिक संबंध और ज़्यादा मजबूत होगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। अब 14 देश के बीच अगर व्यापार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है समुद्री मार्ग से ही मैक्सिमम व्यापार होगा, और व्यापार जैसे ही वृद्धि होगा तो हर देश अपने जो शिपिंग है या एक दूसरे का शिपिंग है उसको सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा भी बढ़ेगा। अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को खतरा किससे है, तो चीन से है। आपूर्ति श्रृंखला बेहतर होगा। यहाँ पर एक और बात को ध्यान में रखा गया है IPEF में, ये जो बहुत ही अच्छा बात है कि जो भी सदस्य देश हैं वहाँ पर जो साधारण उपभोक्ता होता है, चूंकि कोरोना काल के बाद जो आम आदमी है उसको परेशानी हुआ है हर देश में, तो इस जो समझौता है, ये जो फ्रेमवर्क आप कहिए, समझौता से ज़्यादा अच्छा शब्द फ्रेमवर्क है, यहाँ पर आम आदमी को लाभान्वित करने के लिए जो सस्ते उत्पाद हैं, जो कम कीमत का वस्तु है, उसको आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ाने की बात कहा गया है, तो ये बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है, इसके अलावा चीन को प्रतिसंतुलित करने का ये काम करेगा। देखिए, मुख्यतः पिछले वर्ष ही साइन हुआ RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। भारत उसमें शामिल नहीं हुआ था, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। भारत उसमें शामिल होता तो भारत को बहुत सारा फायदा था, लेकिन कुछ नुकसान भी होता RCEP में भारत अगर शामिल होता, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर कुछ ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया से डेयरी प्रोडक्ट भारत में पूरा भर जाता, साथ ही साथ चीन का ऑटोमोबाइल भारत में भर जाता, तो भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर और डेयरी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। भारत इसलिए RCEP में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन RCEP में अगर भारत शामिल होता तो एशिया के बाजारों तक एक विस्तृत पहुँच भी भारत का हो जाता। खैर, जो भी हो, भारत RCEP में शामिल नहीं हुआ था। भारत RCEP के बारे में एक चीज़ और बता दें, RCEP चीन के नेतृत्व वाला एक आर्थिक गठबंधन था। ठीक है, IPEF क्या है, अमेरिका के नेतृत्व वाला एक गठबंधन है, तो IPEF क्या करेगा, RCEP को टक्कर देने वाला है। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं IPEF के महत्व का, तो IPEF का बहुत सारा महत्व है। एक महत्व ये भी है कि जो अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे कि दुनिया भर में जो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन हो गया, विकार्बनीकरण हुआ यानी कार्बन के उत्सर्जन को समाप्त करना, रिश्वत रोधी व्यवस्था बनाना, इसमें भी 14 देश मिलकर काम करेंगे, तो अच्छा बात है। अब देखते हैं भारत के लिए इसका क्या महत्व है IPEF का। तो भारत RCEP से भारत निकला था पिछले वर्ष, अगर भारत RCEP में जुटता तो भारत क्यों नहीं जुटा, मैंने आपको बताया, अगर भारत RCEP में जुटता तो एशिया के बाजारों तक ज़्यादा पहुंच बनाने का भारत के पास मौका था, भारत ने वो मौका गंवाया था, लेकिन भारत के पास एक फिर से नया मौका है IPEF के माध्यम से, तो भारत के लिए फ़ायदे की बात है। देखिए, भारत के पास एक और मौका है एक बड़ा व्यापारिक ढांचे का हिस्सा बनने का, तो भारत के लिए भी अच्छा बात है। इसके अलावा यहाँ पर सुनमय प्रकृति है, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। शुरू में मैंने आपको बताया था ये जो ढांचा है ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। यहाँ पर अमेरिका ने भी साफ साफ बोल दिया है कि ये मुक्त व्यापार का समझौता नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी भी देश को हम बहुत ज़्यादा छूट दे देंगे, किसी भी देश के लिए हम ऐसा बोलेंगे कि ठीक है आप मेरे देश में आइए, आपका सामान बहुत सस्ता में हम बिकवा देंगे अपने देश में, ऐसा नहीं है। हम टैरिफ पे कोई ये ऐसा कुछ छूट वगैरह नहीं देंगे, आपके जो उत्पाद हैं, जो सेवाएं हैं, उनके लिए हम अपने बाजार में एक्सेस वगैरह नहीं देने वाले, अमेरिका ने साफ बोल दिया है। तो ये है क्या ढांचा, ये है व्यापार के लिए सुविधाओं को बढ़ाना, ये क्या है, व्यापारिक सुविधाओं को बढ़ाने का एक मंच है। इसके अलावा और क्या है, यहां मानक निर्धारित किया जाएगा, स्टैंडर्ड निर्धारित किया जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो हम देख रहे हैं भारत के लिए क्या बेनिफिट है अगर भारत IPEF में इस तरीके से बना रहता है। तो देखिए, यहाँ का जो प्रकृति है सुनमय है, इस ढांचा का सुनमय कहने का मतलब है अगर किसी को किसी चार स्तंभ में से किसी से निकलना है तो वो निकल सकता है, किसी से जुड़ना है तो वो जुड़ भी सकता है, उसके मर्जी के ऊपर है। हाँ, लेकिन अगर कुछ एतराज है किसी मुद्दे पर तो वो अपना बात को भी यहाँ पर रख सकता है, तो ये भी एक इसका विशेषता है, इसका एक खासियत है। इसके अलावा और क्या फ़ायदा है भारत के लिए, देखिए यहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई सारे देश शामिल हैं, तो भारत कई देशों से कच्चा माल अपने फैक्ट्री के लिए अपने यहाँ मंगवा सकता है, जो इसमें 14 देश हैं उनमें से, तो भारत के लिए भी फ़ायदा है। अब IPEF के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, IPEF के सक्सेस होने की संभावना कितनी है। तो देखिए दोस्तों, अब IPEF के सक्सेस होने की संभावना कितनी है,
अब वो इस बात पर डिपेंड करता है कि अमेरिका का किस तरीके का व्यवहार रहता है। अगर अमेरिका सिर्फ ये सोचता है कि हम अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करें, तब ये सफल नहीं हो सकता है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, BDN ब्लू डॉट नेटवर्क और B3W बिल्ड बैक बेटर, ये क्या है? ये प्रोजेक्ट है जो क्रमशः 2019 और 2021 में लागू हुआ था। क्यों लागू हुआ था? तो चीन का BRI जो प्रोजेक्ट है, जो विकासशील देश और मध्यम आय वाले देशों में जो अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए चीन ये चला रहा है BRI, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ब्लू डॉट नेटवर्क 2019 में और 2021 में B3W का शुरुआत हुआ था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो चूँकि जो 2-3 साल पहले का कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ है, तो ऐसे में IPEF पर भी एक क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं लग ही जाता है। इसी दोस्तों आप लोग और समझिए, यह जो मंच है, ये जो फ्रेमवर्क है, यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, तो इस वजह से जो बहुत सारा जो व्यापारिक क्रियाकलाप होगा इन देशों के बीच, वहाँ पर WTO के नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन भी होने का एक चांस बनता है। और ये भी एक कारण था, मैंने उस समय नहीं बता पाया, ये भी एक कारण है कि WTO के चूंकि रूल्स का यहाँ उल्लंघन है, क्योंकि FTA यहाँ साइन नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, तो ये भी एक कारण रहा कि भारत ने इस फ्रेमवर्क के पहले आपको बाहर किया। इसके अलावा और क्या, यहाँ पर विवाद निपटान तंत्र नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर विवाद निपटान तंत्र होता है, यानी कि अगर कुछ विवाद हो तो उसको निपटाने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है, तो ये थोड़ा सा कमी है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा लास्ट में हम यही बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 3 T's का एक मंत्र दिया था इसके शुभारंभ के अवसर पर। 3 T's क्या है? 3 T's का मतलब है 3 T, टी का मतलब ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलीनेस, यानी ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए जो भी 14 देश है उनका आपस में, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए यानी जो भी व्यापारिक क्रियाकलाप हो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, एकदम साफ साफ होना चाहिए, ठीक है, और टाइमलीनेस एक मतलब समयबद्धता होना चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो। अब जैसे सिंपल आप ऐसे समझिए, आप किसी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक टाइमलीनेस होना चाहिए ना, आपका एक टाइम होना चाहिए कि हाँ इतना दिन में हम कर लेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिलके ये लोग देश करेंगे तो वहाँ एक समयबद्धता होना चाहिए। तो दोस्तों एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि मैं आपको बता सकूँ IPEF के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।